ही नहीं आ रही है। अब आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है आप लोग को? जरा ध्यान से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा क्या अब आवाज आप लोग को आ रही है। जितने इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें कि क्या अब आवाज आ रही है। क्या आप सभी लोग ध्यान से देखें कि अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? सभी लोग फटाफट कमेंट करें कि अब आवाज आ रही है। चलिए ध्यान से देखिए, अब आवाज आ रही है। चलिए यहाँ पे ध्यान से मैं दोबारा इस प्रश्न को सीरीज को व्याख्या करके बता दे रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न ये था, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, पहला प्रश्न मैंने क्या बताया था कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो यहाँ पर SO2 होगा। क्या होगा? SO2 हो गया, ठीक है। SO2 क्या है? इसे सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल SO2 है, और कभी कभी ये वर्षा के जल के साथ क्रिया करके H2SO4 बना देता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो ए था, और आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए बताया। अगला था, कौन सा सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना, मरुस्थल? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगर जैविकता पूछा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा जैविकता कहाँ मिलती है, तो भी सवाल का उत्तर जो होगा वो ए ही होगा। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। अब हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। एक बार आप लोग वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, चाहे फेसबुक पे शेयर करिए, चाहे यूट्यूब पे, जहां भी आप देख रहे हैं शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम बढ़ते एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपके सामने शायद आपको दिख रहा हो, पकाने में प्रयोग होता है, मैंने इसके बारे में आपसे चर्चा किया है, पढ़ाया है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम क्लोराइड? तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए। देखिए यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है? CaCO2, CaCO2 होता है। इसे फल पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें से गैस निकलती है, एसिटिलीन गैस निकलती है। तो जो एसिटिलीन गैस होती है वह फलों को पकाने में मदद करती है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो सी का सही जवाब होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है, इस प्रश्न का जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रहा है कि कौन सी बीमारी दूषित जल को पीने से होती है? विकल्प आपके सामने है, एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टिटनेस। तो सभी लोग जितने भी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट जरूर करके बताइएगा। जी हाँ, यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। देखिए आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, सरकारी नौकरी करने के लिए पढ़ रहे हैं, और पर्यावरण की सीरीज आपके लिए सबसे ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण होती है, खासकर जब सरकारी शिक्षक बनना होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? भी टाइफाइड। ये सालमोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, ये जीवाणु जनित रोग है। इसे आंत का बुखार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आंत का बुखार कहा जाता है, आंत का बुखार। इसे क्या कहा जाता है? आंत का बुखार कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अब बताइएगा एड्स की जांच किससे की जाती है, जो टेस्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? एनीमिया की कमी से कौन सा रोग होता है? ये प्रश्न परीक्षा वाले हैं। अब हम चलते हैं और आगे, मैं चाहूंगा इसकी भी व्याख्या आप लोग करते चले, क्योंकि परीक्षा में अगर यहां सवाल आते हैं तो आपके सवाल गलत ना होने पाए, ये मेरा पहला उद्देश्य होगा और आपका भी यही होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यह नकारात्मक प्रश्न है, यहां पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CO2, CO, N2O, CH4। तो यहां पे ध्यान देना चाहिए, आप सभी ने अगर पढ़ा होगा, हाँ, लोहा की कमी से, आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। एलिजर टेस्ट सही जवाब है, एड्स के लिए होता है। यह परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल है। CO2, N2O, CO, CH4। सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइए। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पे क्या होगा? ये यहां पे नहीं है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, N2O है नाइट्रस ऑक्साइड है, CH4 मेथेन या जिसे मार्स गैस कहते हैं ये भी आपका है, ओजोन है, जलवाष्प है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है।
जी हाँ, एनीमिया, खून की कमी के लिए आयरन, गुड़ और आंवला खाना चाहिए आप सभी को। चलिए आगे चलते हैं, इसके स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि इसमें कौन द्विबीजपत्री पौधा है? बांस, केला, गन्ना, सरसों। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, एक तरह से देखा जाए सब रिपीटेड प्रश्न बैंक की सीरीज है, तो यहां पर आप लोग इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं कि द्विबीजपत्र अगर बात करें तो यहां पर क्या होगा? सरसों होगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? क्या होगा? सरसों होगा। आगे देखते हैं, पौधों में जल अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोयम, कैम्बियम, पैलिसेड। जो पौधों में जल अधिग्रहण एवं परिवहन होता है किसके द्वारा होता है? ये सभी इलनी भी दुर्गेश के नोट्स में होगा, और अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया है तो इलनी भी दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, सभी नोट्स यहाँ से उपलब्ध हो जाएंगे, और इलनी भी दुर्गेश के ऐप प्ले स्टोर पर है, वहां से भी आप सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जो फेसबुक पेज इलनी भी दुर्गेश पर भी है। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर आपने सही बताया जाइलम, मतलब इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, जाइलम। सभी लोगों ने लगभग सही बताया है। फ्लोएम का काम क्या होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, यह भी टॉपिक इलर्निंग पे दुर्गेश के नोट्स में है, अगर आपने नोट्स पढ़ा होगा तो इसका उत्तर आप बता लेंगे। अगला सवाल आपके सामने है कि भूकंप की तीव्रता कैसे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मरकली स्केल, इसे मरकली स्केल कहते हैं, इसे रिएक्टर स्केल कहते हैं, रिएक्टर पैमाना कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। तो जितने साथी देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट करें। बैरोमीटर से वायुदाब मापते हैं। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा दोनों, माने यहां पे ए भी सही है और बी भी सही है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। माने भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम पुराना स्केल है मर्क्यूरी स्केल, उसके बाद रिएक्टर पैमाना है, अब सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं, जो भूकंपी तरंगों को मापने का काम करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, आप लोग चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट रख ले। अगला सवाल है, वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है? मैंने किन दो गैसों को मिलाकर हमारे वायुमंडल का अकेले 99% गैस होता है? जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए सभी साथी फटाफट, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए अगर हम बात करें O2 प्लस N2, इनको मिलाकर 99% गैस हमारे वायुमंडल का होता है, अर्थात अगर हम यहां पे बात करें तो लगभग 21% प्लस 78%, मतलब यहां पे O2 N2 इनको मिला दिया जाए तो ये 99% गैस अपना बनाती है। मान इस प्रश्न का अगर उत्तर आपके सामने है तो यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, आपने एकदम सही जवाब दिया है आप सभी लोगों ने, अर्थात इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका बी होगा। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है, किसी भी साथी का सवाल यहाँ पे गलत नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं चीजों को आराम से पढ़ते चलिए और हल करते हुए आगे बढ़िए। अगला सवाल आपके सामने है, स्क्रीनशॉट कर लिया आप लोगों ने, इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट के बाद इसका जो हल है वो आपके सबसे ज्यादा काम आने वाला है। अगला आपके सामने है, कह रहा है कि जो पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, समाजीकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना को बढ़ावा देना। देखिए यहां पे टीम भावना को बढ़ावा देना भी सही है, समाजीकरण भी सही है, लेकिन मूल उद्देश्य अगर हम बात करें किसका मूल उद्देश्य क्या है, इसका जो मूल उद्देश्य है वो छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव है, मतलब इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो बी होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है इसका मतलब इसका जवाब पूरी तरह से सही है। आप लोग सभी लोग नोट्स अगर आपने पढ़ा होगा तो नोट्स में ईवीएस पेडागॉजी की सीरीज में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी।
इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी होगा। ठीक, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर अगर हम देखें तो क्या होगा आपका, बी इसका राइट होगा। सबसे मूल उद्देश्य अगर हम बात करें, अगला आपके सामने सवाल है, शायद आपको भी दिख रहा होगा कि कार्यकारी रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे। इसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, मिट्टी कठोर होती है। बताइए सभी साथियों, मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, भावी शिक्षक, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। अगला है, कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है, झेलम, तिस्ता, रावी, ब्यास। कश्मीर घाटी में बहती है। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जवाब दें। चलिए देखते हैं, कश्मीर घाटी में बहती है झेलम नदी। कौन सी नदी बहती है, झेलम नदी। यह सिंधु की सहायक नदी है। यह पीर पंजाल के पास बेरीनाग के पास शेषनाग झील से निकलकर बुलर झील में मिलती है, फिर आगे जाते हुए मुजफ्फराबाद में मंगला तथा भारत पाक के सीमा के समानांतर बहती है। इसलिए प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ए होगा। आपने भी अगर इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है, इसका मतलब आपने जवाब सही दिया है। आप लोगों की संख्या बहुत कम है यार, आप लोग वीडियो को शेयर करिए, सभी लोगों तक तो पहुंचाइए, ये आपका भी उतना काम है जितना मेरा। अगला है आपके सामने, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं, बीज प्रकरण के द्वारा, पर पराकरण के द्वारा, चुनकर, चरना, रोग फैलाकर। तो सीधी सी बात है, ये जो चरने वाले पशु हैं ये चुनकर चरना इस तरह से होते हैं, और पर पराकरण भी होता है, पर तो होगा नहीं क्योंकि अपंग तो है नहीं, पद होता तो सही होता। ठीक है, क्लियर हुआ सबको। चुनकर जो चरने पशु होते हैं, सभी वनस्पतियों को समान नहीं रहते, कुछ अपनी मनपसंद वनस्पतियों को अधिक खाते हैं और धीरे समाप्त हो जाती है, उनका स्थान दूसरी वनस्पति ले लेती है। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने, कौन सी स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है, स्वस्थ अस्थियों के लिए विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी। यहां से एक बात आपको याद रखना होगा, विटामिन के खून का थक्का बनाने के लिए, विटामिन ए की कमी से क्या होता है नपुंसकता, बाझपन, सी की कमी से क्या होता है स्कर्वी, डी की कमी से क्या होता है, बताइए। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का डी का विकल्प विटामिन डी ही होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है, इसका जवाब पूरी तरह से सही है। अगला एक प्रश्न है जो काफी विवादित प्रश्नों की श्रेणी में आता है, कह रहा है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, इसका उत्तर तो होना है कंचनजंगा। लेकिन अगर आपकी परीक्षा की बात करें, जैसे अगर हमने बात किया सीटेट परीक्षा की बात किया, यूपी टेट की अगर हमने बात किया, या हमने सुपर टेट की बात किया, या आपने केबीएस की बात की, तो इन परीक्षाओं में इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो केटू गाडविन आस्टीन होगा। वो क्या होगा, केटू गाडविन आस्टीन होगा, 8611 मीटर। जबकि यह काराकोरम की श्रेणी है, किसकी, कारा कोरम की श्रेणी है, कारा कोरम की श्रेणी है, केटू गाडविन आस्टीन। जबकि ये हिमालय की श्रेणी है, सिक्किम में है, इसकी हाइट 8598 मीटर है, लेकिन ये ट्रांस हिमालय में, ये कहां पर है, ये ट्रांस हिमालय। इसलिए यह थोड़ा सा विवादित प्रश्न है, लेकिन अगर आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण देखा जाए, इस प्रश्न का उत्तर आप ए लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अगर कह देता कि भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर भारत की सबसे ऊंची चोटी तब माउंट कंचनजंगा होता, ठीक है। इसलिए याद रखिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप ए लगा सकते हैं, इन परीक्षाओं में इस प्रश्न का उत्तर क्या लगाएंगे, ए ही लगा सकते हैं, केटू गाडविन ऑस्टिन। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, पारिस्थितिकी मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायु, जल, पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते तथा पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, यह कथन किसने दिया, हचिंसन, कोल, गाशमैन, लिनिस।
तो पास्तकी मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायु जल एवं पृथ्वी से जीवधारी निवास करते हैं या पर्यावरण के साथ क्रिया करते हैं, यह कथन दासमैन ने दिया। किसने दिया? दासमैन ने दिया। किसने दिया है यह कथन? दासमैन ने दिया है। ठीक है, कब? 1976 में। ठीक है, माने मिट्टी सैल मतलब मिट्टी हुआ चट्टान, जलवायु पतली परत है जिसमें सभी पारस्परिक अंतर संबंध स्थापित करते हैं। आगे चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो कौन सी है? समताप, ओजोन, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। तो बताइए सबसे निचली परत कौन सी है? अगर पृथ्वी के सबसे पास का मंडल देखा जाए, सबसे निचली मंडल देखा जाए, तो वह होगा आपका क्षोभ मंडल। इसे ट्रोपोस्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम ट्रोपोस्पियर के नाम से जानते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी? स्कर्वी, बेरी बेरी, रतौधी, थकान। रतौधी विटामिन ए, बेरी बेरी विटामिन बी, स्कर्वी विटामिन सी। मान इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह आपका ए, इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर आप लगातार क्लास पढ़ रहे होंगे, अगर आप सिलेक्शन के लिए चीजें पढ़ रहे होंगे, तब आपको एक बार आ रहा होगा कि सारे प्रश्न आपको आ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है आप सभी के लिए अगर आपको सारे प्रश्नों का उत्तर अगर आपको पता हो। अगला है कि भारत में प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये पहली राष्ट्रपति थी, पहली महिला राष्ट्रपति, सरोजिनी नायडू, पहली राज्यपाल, किरण बेदी, पहली महिला आईपीएस थी। कब बनी थी? 1972। ठीक है, 1972 में। इसकी भी स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं आप लोग। अब हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। यहां तक किसी के मन में कोई सवाल, कोई डाउट तो नहीं है ना? अगला सवाल आप सभी के सामने है, असम में प्रसिद्ध जो एक सींग वाला गैंडा है, ये कौन से वन्यजीव अभयारण्य में है? मानस, काजीरंगा, गिर। तो आप लोगों को पता होगा इस प्रश्न का उत्तर, एकदम रट लिया होगा आप सभी ने। तो आपने देखा काजीरंगा। काजीरंगा कहां पर है? ये असम में है। कान्हा किसली मध्य प्रदेश में है, गिर गुजरात में है, मानस कहां पर, किसके लिए प्रसिद्ध है? जितने भी साथी देख रहे वीडियो को बताएं, गिर जंगल बब्बर शेर के लिए, एशियाई शेर के लिए है, मानस किसके लिए है? जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मानस किसके लिए प्रसिद्ध है और कहां पर है? इन दोनों का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से देना। अगर वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो लाइव, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर देख रहे हैं, मतलब जहां भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी जगह आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देंगे। कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो यहां पर बसाल्ट हुआ या ग्रेनाइट, ये हो गया। चूना पत्थर, अवसादी, ग्रेफाइट, ये पेंसिल में लगते हैं, और अगर बात करें तो ये कार्बन का एक अपरूप भी है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए, बेसाल्ट। ठीक है, देखिए मानस असम में है, हाथी के लिए है। कान्हा किसलिए किसके लिए है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ये सभी इलनी भी दुर्गेश के नोट्स में है, अगर आपने नोट्स पढ़ा होगा तो आपको ये चीजें पता होगा। ठीक है, पृथ्वी के वातावरण किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? अंग्रेजी में है, मैंने बात इसलिए नोट्स में आपने देखा होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाता है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर,
एनोस्पियर। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ट्रोपोस्पियर, स्ट्रेटोस्पियर, मीसोस्पियर, एनोस्पियर। जी हाँ, यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा स्ट्रेटोस्पियर। इसी को हम समताप मंडल के नाम से भी जानते हैं। इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं क्योंकि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। इसमें ओजोन परत पाई जाती है, इसलिए रट लीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, नोट्स अगर आप लोग पढ़ लिए हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो एक बार नोट्स को पूरा जरूर से पढ़ लीजिएगा। हर हाल में पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत सेल कौन सी है? पहली सेल क्या है? हमारी पृथ्वी सबसे पहली सेल आई थी आग्नेय, इसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं। पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर सबसे पहली सेल आई थी आग्नेय, लेकिन सबसे ज्यादा जो फैली है वो औषधि है, वो है आपका सेडिमेंटरी रॉक्स। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ये होगा। ठीक है, ये पूरे पृथ्वी का 75% हिस्सा लगभग घेरे हुए है, और अगर औषधि की बात करें, इस औषधि में, औषधि सेल की अगर हम बात करें तो औषधि का 80% क्ले चट्टान है। कौन सी चट्टान है? क्ले, क्ले चट्टान है। ये IMP है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर सकते हैं, रट सकते हैं। ठीक, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र कौन सा? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है, भूकंप विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन क्या होगा? ये सभी नोट्स में भी है, अगर आपने क्लास पढ़ी होगी लनि दुर्गेश तो वहां पे भी मिल जाएगा। एक बार आप लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं टेलीग्राम पर, आप सब दुर्गे सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गे से जरूर जुड़िएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग जुड़ेंगे तो चीजें आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगी। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, टेलीग्राम पर जुड़िएगा, यहाँ पर सभी क्लास आपको फ्री देशित में, राष्ट्रीय में मिल जाएंगे, PDF नोट्स मिल जाएंगे। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होगा? जब हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन होगा। हमारे छोटा दिन कब होता है? माने उत्तरी गोलार्ध में तो 22 दिसंबर को होता है, इसी ठीक विपरीत वहां पे होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपने डी सही बताया है। और उत्तरी गोलार्ध का पूछा जाए, उत्तरी गोलार्ध का, तो ये है उत्तरी गोलार्ध का। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि उत्तरी गोलार्ध का कब होता है, एकदम आप लोगों ने सही बताया, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून। ये दोनों चीजें आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इस दिन सूर्य किरणें मकर रेखा पर सीधी चमकती है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य क्या होता है? सीधा चमकता है, सीधा। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, आप लोग लाइक कर दीजिए, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं पैसा नहीं कटेगा आपका, जितने लोग भी देख रहे हैं। शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। अगला है आपके सामने सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? देखिए ऐसी जो जलधाराएं होती है, ठंडी जलधारा, ये कहां से निकलती हैं? या तो चाहे उत्तरी ध्रुव से निकले या दक्षिण ध्रुव से, इनका धारा यहीं से निकलती है, इस वजह से ये ठंडी जलधारा होती है। फॉकलैंड की धारा, मोजाम्बिक की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, ब्राजील की धारा। तो याद रहे इस प्रश्न को, आप लोग याद रखिएगा कि ब्राजील की धारा गर्म है, ये आपकी गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम भी गर्म है, मोजाम्बिक भी गर्म है, और ये आपकी ठंडी। और यहां पे पूछा है
कि निम्नलिखित में से ठंडी जलधारा कौन है, तो आपकी होगी फॉकलैंड। मानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ये होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है, ए। आर्कटिक सागर का सब ठंडा जल फॉकलैंड धारा के रूप में दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट अर्जेंटीना तक प्रवाहित होता है। इस धारा के द्वारा हिमखंड अमेरिका से काफी दूर हो जाते हैं और ये इससे यातायात भी काफी प्रभावित होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो फॉकलैंड है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला सवाल आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बिहू भारत किस राज्य का लोक नृत्य है? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। आगे भी अभी इसके बाद हम लोग विज्ञान की सीरीज इसी में पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये बहुत सरल सवाल है, मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग इसका जवाब दे लेंगे। सभी लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश के, घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप से प्राप्त कर सकते हैं, कहीं से भी। मेरी क्लास आपको निःशुल्क देसी तो मिल जाती है। देखिए बिहू के लिए अगर देखा जाए, असम है, असम। राजस्थान का प्रमुख नृत्य बताइए जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता हो। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश का कथक है कि कथकली है, कमेंट करके बताइएगा क्योंकि मैंने पढ़ाया है। चारकुला, रामलीला, रासलीला, ये उत्तर प्रदेश का है। तो खाद्य श्रृंखला परस्पर समूह को कहते हैं। अगर परस्पर समूह की बात करें तो ये खाद्य जाल होता है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यहाँ भी सी और यहाँ पर भी सी। अब हम बढ़ते हैं इसके और अगले प्रश्न की तरफ। यहां तक आप लोगों ने समझ कर लिया ना तथ्य को? 50 प्रश्न बैंक की सीरीज है, काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। अगला सवाल आपके सामने कह रहा है कि वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? प्रशांतक, मूत्रण, पीड़ाहरक, एंटी हिस्टामिन। तो यहां पे क्या होगा? ट्रैंक्विलाइजर अर्थात प्रशांतक। यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ए, सही है। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालकर दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है। बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य क्या है? पशुओं का अपशिष्ट, सस्य अवशेष, वन अवशेष, जलीय पादप, वन अवशेष। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए यहां पे क्या होगा? पशुओं का अपशिष्ट क्या होगा? पशुओं का अपशिष्ट। माने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ए, इसका सही और राइट आंसर है। ठीक है, अगला, गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? विज्ञान के सवाल भी आपके पर्यावरण सीरीज में एक तरह सामान्य अध्ययन की सीरीज हो गई है। तो यहां पे गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? प्रोपेन, ब्यूटेन, मिथेन, एथिलीन। तो यहां पर आप लोगों ने एकदम सही बताया है, एकदम सही आप लोग का जवाब है, मिथेन, CH4। ये धान के खेत से भी निकलती है। और सबसे ज्यादा अगर बायोगैस में बात किया जाए, गोबर गैस में, तो बायोगैस इसे कहते हैं। इसमें 55% मिथेन का योगदान होता है, हाइड्रोजन 7% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 35% तक होता है। उसके बाद सबसे ज्यादा 55% होता है। CO2 की बात किया जाए इसमें तो लगभग 35% CO2 होता है। नाइट्रोजन 2% तक, 2.5% तक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी अश्रु गैस का घटक है? आंसू गैस का घटक कौन सा है? एथिलीन, एथेनॉल, ईथर, क्लोरोपिक्रेन। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। ये वीडियो फेसबुक पे, यूट्यूब पे दोनों पे चल रहा है, इंस्टाग्राम पर भी इलेनी भी दुर्गेश आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे तो देख ही रहे हैं इलेनी भी दुर्गेश। हाँ, धान खेत से जब पशु जुगाली करते हैं सड़े गले सामानों से, पदार्थों से। देखिए क्लोरोपिक्रिन, अगर इसका रासायनिक सूत्र देखा जाए तो CCl3NO2 है, एक जहरीली रसायन है।
और इस श्वसन पे त्वचा पर तंत्र श्वसन तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इससे आँख में आंसू आने लगता है, आँख में दर्द होने लगता है, और इसका प्रयोग आंसू गैस के लिए किया जाता है। ठीक, और जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को शेयर ओवर कर दें। अगला है, वायु का प्रमुख घटक क्या है? वायु का प्रमुख घटक क्या है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये 78% है लगभग, ये आपका लगभग 21% है, ये 0.03% है, ये 0.001% है। तो यहाँ पर अगर प्रमुख घटक की बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? नाइट्रोजन। माने इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ए। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है, इसका मतलब जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हीलियम। तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? हीलियम इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? हीलियम इस प्रश्न का सही जवाब है। क्या होगा? हीलियम इस प्रश्न का सही जवाब है। आवर्त सारणी में देखा जाए, पी ब्लॉक में 18वें वर्ग में उत्कृष्ट, इसे हम नोबेल गैस भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? नोबेल गैस कहते हैं। इसे हम नोबेल गैस के नाम से भी जानते हैं। इसमें हीलियम है, नियान है, इसमें क्या क्या हीलियम है, नियान है, उसके बाद रेडॉन गैस है, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे इसके अंतर्गत आर्गन भी इसमें आता है, क्रिप्टॉन भी आता है, तो ये सब ऐसी गैसें हैं, इन्हें हम नोबेल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम नोबेल गैस कहते हैं। ये सब क्या है? नोबेल गैस है। ठीक है, ये पी ब्लॉक में आते हैं, 18वें वर्ग में, आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में ये आते हैं। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, आपकी मर्जी है तो रख सकते हैं, चाहे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ये हमेशा के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपके सामने है, वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड बारिश से धुल जाते हैं, क्या कारण है? कैद करते हैं, झीलों में विट्रिफिकेशन, मृदा में पीएच का निम्नस्थिरीकरण, औद्योगिक धूम निर्माण, फॉसिल ईंधन संग्रह का संरक्षण। बताइए, देखिए इसके वजह से क्या होता है? वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड जब बारिश में घुलकर मिट्टी पर गिरते हैं तो मिट्टी में पीएच का निम्न स्तरीकरण होता है। मतलब इस प्रश्न का सही विकल्प जो है आपका वो बी है। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। सल्फर की आवश्यक मात्रा मृदा की प्रकृति पर ही निर्भर करती। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इसका मेन मतलब अगर देखा जाए तो आपका क्या होता है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उष्मा के संरक्षण के लिए फसलों के ग्रीन हाउस में खेती, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सौर ऊर्जा का संग्रह, वातावरणीय प्रदूषण के कारण ताप में वृद्धि। एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? आपका बी इसका सही और राइट आंसर है। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड है,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, हाइड्रोजन भी नहीं है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी नहीं है, यहां पर होना चाहिए नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प है, ओजोन है, CH4 है, मतलब मेथेन, O3 है, N2O है, CFC है, CO2 है, ठीक है। तो ये जो थी वहां पर, यहां पर देखा जाए तो ये भी आपका गलत है, मतलब ए और सी दोनों गलत है, ठीक है, माने ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक, यहां पर इसलिए प्रश्न का उत्तर हाइड्रोजन भी, कुछ लोग लगा रहे थे हाइड्रोजन भी है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी, ठीक है। हम चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें कि ग्रीन हाउस गैस जो थी वो मैंने बता दी। इस हिसाब से प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो यहां पर ए सी दोनों सही है, मैंने दोनों गलत है वही सही है। लाफिंग गैस का फॉर्मूला N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड को ही लाफिंग गैस कहते हैं, ठीक है। अगला है, गैसों के निम्न समूह में कौन सा हरित गृह प्रभाव में योगदान करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, अमोनिया और ओजोन, गलत, ये नहीं करता, कार्बन मोनोऑक्साइड ये नहीं करता, सल्फर डाइऑक्साइड ये नहीं करता, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी नहीं करता, नाइट्रस ऑक्साइड ये करता, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, माने यहाँ पे CO2 और CH4 ये दोनों करते हैं, ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए यहाँ पर सही जवाब होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है, इसका जवाब पूरा क्या होगा, सही है। अगला सवाल आपके सामने है, शायद आपको भी दिख रहा होगा, कह रहा कि वायुमंडल में ओजोन ह्रास का सबसे मुख्य कारण क्या है? आखिर ओजोन गैस क्यों कम होती जा रही है? सल्फर डाइऑक्साइड की तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रो सल्फाइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? एकदम सबका उत्तर सही है, CFC, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर डी। इसका उत्तर क्या होगा? डी आप सभी का उत्तर जवाब सही है। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन, हीलियम, यहां पर क्या होगा? ओजोन, O3, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर ए होगा, ठीक है। सबसे हल्की गैस अगर पूछे था तब तब का उत्तर हीलियम होता इस विकल्प के हिसाब से। अगला सवाल है, पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है 60 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक, 63 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक, 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक, 72 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक। तो सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। तो यहां पे आप लोगों ने सही जवाब दिया है कि 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिर से धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, लैक्टिकल अम्ल जीवाणुओं की संख्या कम हो जाती है, रोगजनक विषाणु की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका ये सही है। अगला है, सिगरेट के धुएं से मुख्य प्रदूषक क्या है? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कार्बन मोनोऑक्साइड सही है, उसके साथ साथ क्या होगा यहां पे, निकोटीन, मान इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका बी है। मतलब सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन है। निकोटीन कार्सिनोजेनिक होता है,
और कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रमुख वायु प्रदूषक भी है। उत्पादक गैस किसकी मौजूदगी के कारण अत्यधिक जहरीली होती है? नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर ऑक्साइड। देखिए, उत्पादन गैस को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है और यह कार्बन मोनोऑक्साइड इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यह एक प्रकार की एक दमघोटू गैस भी है। कैसी गैस है? एक दमघोटू गैस है। नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड की मौजूदगी के कारण अत्यधिक जहरीली हो जाती है। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तब कौन सी गैस निकलती है और घुटन से मृत्यु हो जाती है? तो वो होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये पुराने कुएं से CH4 है, ठीक है, धान खेत से भी CH4 निकलती है, पशु जुगाली करते तब भी यही निकलती है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अगला सवाल है कि जो वायु प्रदूषकों में होते हैं क्या वितिक्त गैसें, केवल द्रव, केवल वितिक्त, केवल गैसें क्या होती हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वितिक्त गैसें होती हैं। जब मानवीय तो प्राकृतिक कारणों से वायु में गए तो कुछ विषाक्त पदार्थ आ जाते हैं, उन्हें वितिक्त मिल जाते हैं, उसे वायु प्रदूषक कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होता है ए, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, नाइट्रोजन, इनके अलावा जब जैसे गैसें बढ़ने लगती हैं तब उसे कहा जाता है। अगला है, वह जीव कौन सा है जो है प्रदूषक को मॉनिटर करता है? बैक्टीरिया, लाइकेन, शैवाल, फंजाई। जितने साथी देख रहे हैं कॉमेंट करके जवाब दें क्या होगा। देखिए यहाँ पे लाइकेन होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? लाइकेन होगा। अगर लाइकेन की बात करें तो शैवाल, कवक। तो हमने यहां पे देखा इन दोनों का इतना निकटतम साचर होता है कि इसमें से बना लाइकेन एक पौधा प्रतीत होता है। लाइकेन वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं। ये क्या होते हैं? वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं, ठीक। अगला है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या करता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया की दर को घटाता है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जहां पे कोई नहीं है तो ये काट दिया करिए। अब यहां पे बचा अभिक्रिया की जो दर है उसे बढ़ाता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता। उत्प्रेरक मतलब रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाकर परिवर्तित कर देता है, स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप में अपरिवर्तित रहता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ए होगा। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ए होगा, ठीक। पराध्वनि जेट प्रदूषण कराता है पतला करके क्या? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लासेज आपके जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से चलती हैं। नोट्स के लिए जानकारी ले सकते हैं। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश बिना स्पेस दिए, इन लर्निंग पे दुर्गेश ज्वाइन करिएगा, सभी क्लास आपको फ्री मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर सभी लोग जुड़िएगा। देखिए पराध्वनि जेट की अगर हम बात करें तो यह आपका O3 ओजोन परत को, अर्थात यहां पे इसका उत्तर होगा ओजोन, ओजोन को पतला करता है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास पर इसी समय। आप लोग वीडियो को फटाफट शेयर करिएगा और आपने अगर अभी तक इलर्निंग विद दुर्गेश का ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो आज ही आप प्ले स्टोर से इलर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल करिएगा, क्योंकि इलर्निंग विद दुर्गेश के ऐप आपके हमेशा परीक्षाओं में हमेशा काम आने वाले हैं और परीक्षा हमेशा आपके लिए मददगार भी होंगे। तो अपने सभी साथी मित्रों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर से आप सभी का थैंक यू, बाय बाय। हाँ, वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम पे जुड़िएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से इलर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल करिएगा, जहाँ पे आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे, सभी क्लास मिल जाएंगे, सभी लेक्चर मिल जाएंगे वहाँ पे आपको। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।